वेलकम टू द चैनल एवरीवन। तो आज है हमारा ये थर्ड पार्ट फॉर द डीआरडीओ सेप्टेम सीबीटी 1 की मॉक टेस्ट सीरीज का, जिसमें कि हम बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजनिंग प्रॉब्लम्स को सोल्व करने वाले हैं। आई होप कि आप लोगों ने इससे पहले पिछली दो वीडियोस को जरूर सुना होगा, उन सभी प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस की होगी। तो एक बात और इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए कि नीचे कॉमेंट्स में जरूर बताया कीजिए कि आपको वीडियोस के एमसीक्यूज की अंडरस्टैंडिंग कैसे हुई है, या फिर आपको ऐसी और वीडियोस की अगर रिक्वायरमेंट है, ताकि हम लोग आपके लिए ऐसा मटेरियल बनाते रहें। तो स्टार्ट करते हैं हमारी इस वीडियो सीरीज को। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है हमारे पास, इसमें रीजनिंग की प्रॉब्लम्स आएंगी, जर्नल रीजनिंग जो होती है, तो उसके साथ रिलेटेड हम इसमें प्रॉब्लम्स को सोल्व करने वाले हैं। तो हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम है, सिलेक्ट द पेयर दैट हैज द सेम रिलेशनशिप एज द ओरिजिनल पेयर ऑफ द वर्ड्स। तो ओरिजिनल पेयर है हमारा बैडमिंटन एंड कोर्ट। अब देखिए, बैडमिंटन एक गेम है, कोर्ट वो वाली जगह होती है जहां पर बैडमिंटन को खेला जाता है। तो इनमें रिलेशन को आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लेना है। अब देखिए, हॉकी को जिस जगह पर खेला जाता है वो तो नहीं होती ना, स्टिक से हॉकी खेलते हैं तो ये तो हो नहीं सकता। ऐसे ही ये है, क्रिकेट में बैट यूज करते हैं ये भी रॉन्ग है, स्केटिंग रिंक एंड फुटबॉल में गोल किया जाता है। फुटबॉल कौन सी ग्राउंड में खेला जाता है, तो स्केटिंग जिस जगह पर होती है, ठीक है, वो जो जगह होती है जहां पर स्केट करते हैं उस पूरी रिंक उसको बोलते हैं, वो जो उसकी एक ग्राउंड होती है उसको क्या नाम देते हैं, रिंक बोलते हैं। जैसे कि बैडमिंटन वाली ग्राउंड को क्या बोलते हैं, कोर्ट बोलते हैं। ऐसे ही हमारा आंसर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। मतलब इसमें बेसिकली क्या होता है कि अगर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग है तो आपको ये प्रॉब्लम्स अच्छे से हो जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, स्केटिंग रिंक में की जाती है जैसे बैडमिंटन कोर्ट में खेला जाता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, क्राउन रॉयल, ठीक है। अब देखिए, रॉयल्टी, ठीक है, रॉयल्टी का ये एक सिंबल है, ठीक है ना, क्राउन जिसको हम बोलते हैं, ताज, उस रॉयल का एक सिंबल होता है, ये रॉयल्टी को सिंबलाइज करता है। तो ऐसे ही हमें ये और यहां से देखने होंगे। तो इसमें से हमारा आंसर बनेगा, जैसे कि क्रूसीफिक्स होता है वो एक रिलीजन को सिंबलाइज करता है। क्रूसीफिक्स जैसे कि क्रिश्चियन लोग यूज करते हैं, जो उनमें क्रॉस का साइन होता है उसको हम बोल देते हैं क्रूसीफिक्स, ठीक है। तो वो एक रिलीजन को सिंबलाइज करता है। ऐसे ही जो क्राउन होता है वो रॉयल्टी को, रॉयल जो चीज होती है उसको सिंबलाइज करता है। तो ऐसे आप लोगों ने रिलेशन को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा D1, ठीक है। अभी तो रीजनिंग में ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आती है, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा तो आराम से हो जाएंगी, ठीक है। बाकी अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है, आंसर पता है, तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए साथ साथ में आंसर। तो अगली आ गई हमारे पास, हमें ये सीरीज कंप्लीट करनी है, सीक्वेंस इसको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहली टर्म है 19, फिर आ गई 2, फिर आ गई 38, फिर 3, फिर आ गई 114, फिर आ गई 4, आगे क्या आएगा। तो इसमें हमेशा क्या होता है, अब देखिए, इनकी जितनी प्रैक्टिस आप लोग हैं ज्यादा करेंगे उतना आपको फायदा है, क्योंकि इसमें कोई रूल्स तो नहीं होते, तो कोई भी जनरल रिलेशन बन सकता है टर्म्स में। तो हम लोग जैसे जैसे आगे जाएंगे और आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाएंगे, तो मैं आपके लिए डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम उसमें बनाता जाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों ने इसके साथ बस जुड़े रहना है, तो जब तक आपका एग्जाम आएगा तो आपकी पूरी अच्छे से प्रेपरेशन हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, यहां पर क्या है, अगर मैं इसको करूं इसके साथ मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आ जाता है, 38, ठीक है। ऐसे ही अगर हम 38 को करते हैं 3 के साथ मल्टीप्लाई, तो आंसर आ जाता है 114। तो अब हम ऐसे ही आगे रिलेशन को जाने देंगे, तो 114 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा 456, ठीक है। तो ऐसे आपको इसका आंसर मिल जाएगा, सिंपल है अभी। तो आगे चलते हैं, इसका आंसर अब आप लोगों ने खुद बताना है, बिल्कुल सिंपल है। सोचिए, थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा अपना यूज कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल है। नीचे कमेंट्स में आंसर बताइए, अदरवाइज मैं आपको थोड़े टाइम में ही इसका आंसर नीचे कमेंट्स में बता दूंगा कि इस सीरीज की अगली टर्म क्या होगी। रिलेशन सोच लीजिए, बिल्कुल सिंपल सी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोगों ने नीचे कमेंट्स में बताना है, क्लियर है। अभी सोच लो, 2 मिनट इसको अच्छे से देख लो, बिल्कुल सिंपल सी प्रॉब्लम है ये। तो आगे चलते हैं, फिर इसके बाद है कि पेंट इज कोडेड एज दिस वन,
एंड एक्सेल इज कोडेड एज दिस वन, ठीक है ना, कोडिंग डिकोडिंग की प्रॉब्लम है, देन हाउ वुड यू इन कोड एक्सेप्ट, ठीक है, तो हम इसको पहले ज्वाइन। अब देखिए इसमें भी बहुत सारे रूल्स होते हैं, कई बार क्या होता है कि सिंपली मतलब एक एक वर्ड को एक एक नंबर यूज कर लिया जाता है, बट कई बार क्या होता है कि किसी एक नंबर को दो दो वर्ड्स में यूज कर लेते हैं, दो दो लेटर्स में, ऐसे बहुत सारे अलग अलग इसमें फॉर्म कर सकते हैं पैटर्न। तो इसमें भी सिंपल है कि आपकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप लोग उतना आपको फायदा है। तो पेंट का है यहाँ पर कोड 74128 और साथ में एक्सेल का कोड भी हम यहीं पर यूज कर लेते हैं, उसका कोड है 93596। आपने सबसे पहले क्या चेक करना है कि जो यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, जैसे ई रिपीट हो रही है, क्या उसका सेम आंसर है ई का यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9। अगर तो ऐसा है तो आपके लिए कुछ खास नहीं यहाँ पर होगी डिफिकल्टी, फिर तो सिंपल काम बन जाएगा। हमें अब सोल्व करना है एक्सेप्ट का, तो एक्सेप्ट ए के सामने है 4, तो ए का आ गया 4। अब देखिए सी के सामने क्या है, सी का है यहाँ पर 5, तो दो बार ही आ जाएगा 5। ई का है हमारा 9, पी का है 7 और टी का है यहाँ पर 8, तो ये हमारा सिंपल सा आंसर बन जाएगा, तो ये आ गया ए आंसर, ठीक है। तो हमेशा ऐसा बिल्कुल नहीं होता, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कोई भी रूल किसी भी तरह से हम कोड्स बना सकते हैं, ठीक है ना, कोडिंग डिकोडिंग में यही प्रॉब्लम होती है, तो प्रैक्टिस करें। रीजनिंग में तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इफ कुक इज कॉल्ड द बटलर, बटलर इज कॉल्ड द मैनेजर, मैनेजर इज कॉल्ड द टीचर, टीचर इज कॉल्ड द क्लर्क एंड क्लर्क इज कॉल्ड द प्रिंसिपल, मतलब सबके नाम हमने चेंज कर दिए, ठीक है। जो बंदा है टीचर उसको हम क्या बोलते हैं, क्लर्क बोलते हैं, जो बंदा है बटलर उसको हम बोलते हैं मैनेजर, ऐसे हमने नाम चेंज कर दिए, उल्टे पुलटे सभी के नाम रख दिए। तो उसने पूछा है कि क्लास में कौन टीच करेगा, अब आपको कोई पूछेगा कि क्लास में कौन टीच करेगा, तो हम क्या आंसर देंगे, क्लास में कौन टीच करेगा, टीचर। बट यहां पर हमने टीचर को क्या नाम दिया है, टीचर इज कॉल्ड द क्लर्क, इसका मतलब क्लास में कौन टीच करेगा, क्लास में टीच करेगा क्लर्क टीच करेगा, मतलब वो एक्चुअल में क्या है, वो एक्चुअल में एक टीचर है जिसको हमने नाम चेंज कर कर क्या रख दिया, क्लर्क रख दिया। तो ऐसी प्रॉब्लम्स भी बन सकती हैं, ठीक है भी। तो आपके ब्रेन को चेक करना है बस, ठीक है ना, तो रीजनिंग का यही मेन काम होता है। तो आगे चलते हैं, ए एंड बी आर ब्रदर्स, ए और बी आपस में ब्रदर्स हैं, तो इसमें क्या है, सी एंड डी आर सिस्टर्स, ठीक है, सी एंड डी सिस्टर्स हैं, ए इज एस सन इज डी ब्रदर, ए का सन डी का ब्रदर है। अब देखिए, अब जब ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाए ना रिलेशंस वाली, तो आपने हमेशा क्या करना है, इसको बोलते हैं ब्लड रिलेशन प्रॉब्लम। आपने स्टेजेस बनाने हैं, जैसे फादर, उसका आगे सन, उसका आगे कुछ हो, तो ऐसे आप लोगों ने अलग अलग यहां पर बना लेने हैं स्टेजेस। तो हमने ये देखा कि ए इज सन इज डी इज ब्रदर, मतलब ए और बी ऊपर वाले होंगे, सो ए एंड बी हमने ऊपर लिख दिए, ए और बी आपस में क्या है, ब्रदर्स हैं। अब ए का जो सन है वो डी है, ये हमारी अगली स्टेज होगी, मतलब अगली जनरेशन बन गई एक तरह से। अब डी इज ब्रदर है, ठीक है, ए का जो सन होगा, अब उसके सन का हमें नाम तो नहीं दिया गया, वो हम यहां पर रख लेते हैं एस है उसका सन, मान लीजिए ए का सन, वो क्या है, वो डी का ब्रदर है। तो डी की आगे सी क्या है, सिस्टर है, ठीक है, तो इसका मतलब जो एस, जो ए है वो डी और सी का फादर हो सकता है मे बी, ठीक है, जो ए बंदा है वो डी और सी का फादर हो सकता है। अब उसने पूछा है कि हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, हमने बी का सी से रिलेशन सोल्व करना है, तो हमने क्या मान लिया, ए क्या है इन सभी का, ए है इन सभी का फादर, तो बी आगे ए का ब्रदर है, तो बी सी का क्या हो गया, चाचा बन सकता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अंकल बोलेंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा, अंकल, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों ने ब्लड रिलेशंस बनाने हैं, जनरेशंस बना लीजिए, बहुत ही ईजी काम हो जाएगा, जनरेशन वाइज आप लोगों ने इसको उतार लेना है, ठीक है, क्लियर है अभी। तो आगे चलते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स थोड़ी सी डिफिकल्ट होती हैं, बट अगर आपने एक बार इसका अरेंजमेंट बना लिया तो आपके इसके साथ 3-4 एमसीक्यूज आते हैं वो सभी सोल्व हो जाएंगे, ठीक है, बट ध्यान रखना है कि सही एक बार अरेंजमेंट बना लें, तो ये हम अब इसे सोल्व करते हैं। उसने कहा है कि ए बी सी डी ई एफ जी आर सिटिंग ऑन ए वॉल एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग द ईस्ट, तो हम यहां पर डायरेक्शंस देख लेते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है।
तो ईस्ट की ओर सभी के फेस हैं, तो ऐसे सभी मान लीजिए इस रो में बैठे हैं, इस तरफ इन सभी के फेसेस हैं, ये है ईस्ट, ठीक है। अब सी इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ डी, जो सी है हमारा वो इमीडिएट राइट ऑफ डी में बैठा है, ठीक है। तो अब देखिए यहां से अब राइट क्या होगा, राइट हमारा इस तरफ से रहेगा, सो दिस इज द राइट, दिस इज द लेफ्ट, ठीक है, क्योंकि हमारे फेस इस तरफ है ना, इसलिए हम इसे इस तरह से अरेंज करेंगे, क्लियर है। सो सी इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ डी, तो अगर हम यहां पर डी रख लें तो सी उसकी राइट में है। B is at the extreme end and has E as his neighbor. B हमारा सबसे एंड पर है और E उसका क्या बन रहा है, neighbor बन रहा है, तो ऐसे बना ले, मतलब B हमने एंड पर रख लिया, ठीक है। एंड G is between E and F, जो हमारा G है वो E and F के बीच है, तो मतलब यहां पर इसको हम थोड़ा सा अभी यहां पर इरेज कर देते हैं, क्योंकि यहां पर हमें स्पेस चाहिए, और तो D और C को यहां पर बना लेते हैं, और यहां पर E एंड F के बीच G है, मतलब यहां पर F आ जाएगा, ठीक है। D इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम द साउथ एंड, तो साउथ हमारा इस तरफ है, यह है साउथ, साउथ से थर्ड पोजीशन है, मतलब के फर्स्ट सेकंड थर्ड तो है, अब यहां पर कोई और होगा, मतलब अब कौन है इसके अलावा, A ही बचा है, ठीक है, बाकी सब तो आ गए, तो A आ गया यहां पर। तो ये हमारा एक अरेंजमेंट आ चुका है, B E G F D C A, तो ऐसे आप लोगों ने अरेंजमेंट अपना कंप्लीट कर लेना है। अब बाकी सब कुछ मैं यहां से इरेज कर देता हूं ताकि हमें कोई डिफिकल्टी ना हो, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा अब यहां पर एक अरेंजमेंट बन चुका है, ठीक है, क्लियर है अभी। चलो अब हम इसको यूज करेंगे और आंसर आएंगे, ठीक है, मिनटों मिनट। तो सबसे पहला है कि हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ ई, तो मैंने आपको बताया था राइट डायरेक्शन इस तरफ है, ई के राइट में कौन है, जी, तो जी हमारा आंसर आ जाएगा, क्लियर है अभी, बिल्कुल सिंपल सा काम था, ओके। तो आगे इसी पर बेस्ड कुछ और एमसीक्यूज हैं इसी में, तो मैं अरेंजमेंट मैंने उस तरफ बना लिया था, तो मैं यहां पर आपको दोबारा से शो है कर देता हूं। तो ये हमारा अरेंजमेंट आ चुका था उस तरफ। अब उसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द पीपल आर सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड्स, ये तो आप लोग बता सकते हैं, एक्सट्रीम एंड पर कौन कौन बैठा है, बी बैठा है और उसके साथ ए है, ठीक है, तो ए बी हो जाएंगे, ये भी हो गया, मतलब एक बार अरेंजमेंट आ गया तो सभी आंसर आपके हैं अगर आपने सही बनाया, ठीक है। फिर है नेम द पर्सन हु शुड चेंज प्लेस विद सी सच दैट ही गेट्स द थर्ड प्लेस फ्रॉम द नॉर्थ एंड, ठीक है, नॉर्थ एंड से थर्ड प्लेस पर हमने सी को पहुंचाना है, तो क्या करेंगे, ये हमारा नॉर्थ एंड है, तो नॉर्थ एंड से फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड से उसको जी के साथ रिप्लेस कर दें, तो जी हमारा आंसर आ जाएगा, क्लियर है अभी, ये भी हो गया, ये भी सिंपल था। तो आगे है इमीडिएटली बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द पीपल डी इज सिटिंग, डी कौन कौन से दो मतलब पीपल के बीच बैठा है, एफ एंड सी, तो सी एंड एफ हो जाएगा, मतलब बाद में तो कोई डिफिकल्टी नहीं है, एक बार अरेंजमेंट आप लोग बना ले तो सिंपल से आपका काम हो जाएगा, क्लियर है अभी। तो अब आगे चलते हैं, अब इसमें है कि फाइंड आउट द ओड वर्ड लेटर नंबर पेयर जो भी इसमें दिया गया है, तो इनमें से ओड वैल्यू हमारी कौन है। अब देखिए ये कुछ ए बी सी के हिसाब से कुछ अरेंजमेंट है, तो जब ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो आप लोगों ने ए बी सी डी पूरी ए बी सी को उतार लेना है, ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा बट प्रॉब्लम अच्छे से सोल्व करनी है। मोस्टली क्या होता है कि ए बी सी डी पर दो तीन प्रॉब्लम्स तो होती हैं पेपर में, तो हो सकता है किसी और प्रॉब्लम में भी आपकी वही ए बी सी डी आपके काम आ जाए, तो हम यहाँ पर ए बी सी डी को उतार लेते हैं, ये हमारी ए बी सी डी हो गई, ठीक है। तो अब देखते हैं सबसे पहला है ए सी ई जी, तो यहां से चूज करते जाते हैं ए सी ई जी, तो कुछ आइडिया हो रहा है, मतलब एक एक छोड़कर आ रहे हैं, बाकी आगे देखते हैं क्या अरेंजमेंट है। बी डी एफ जी, बी डी एफ जी, यहां पर एक एक छोड़कर नहीं आ रहे क्योंकि एफ और जी दोनों सेम आ गए। आगे है जे एल एन पी, जे एल एन पी, यहां पर भी एक एक छोड़कर है, ठीक है, सो एक एक छोड़कर वाला ही यहां पर फॉर्म हो रहा है पैटर्न, दो में तो हो गया, आखिर वाले में भी हम एक बार देख लेते हैं, एस यू डब्ल्यू वाई, तो एक एक छोड़कर वाला सही है पैटर्न, इसमें हुआ नहीं था क्योंकि एफ और जी दोनों एक साथ होते हैं, तो यही हमारा ओड होगा क्योंकि इसमें हुआ नहीं पैटर्न, बाकी सभी में सेम ही पैटर्न फॉलो हुआ, एक एक लेटर छोड़कर उन्होंने इनमें एक सिक्वेंस बनाई हुई थी, क्लियर है अभी। तो ऐसे मतलब देखिए इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, आपको अपना दिमाग थोड़ा सा आइडिया उस चीज को ऑब्जर्व करना है कि क्या है इसमें, ठीक है।
क्लियर है अभी, तो आगे चलते हैं। इसमें से भी हमने ओड अल्टरनेटिव को चूज करना है। अब देखिए 1632 है, 2040 है, 6481 है, 8161, ये बहुत ही ईजी है। देखिए इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, इसको भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको नहीं आ रहा, ठीक है। अब इसको करेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई, ये भी आ गया, तो सी का नहीं आया, तो थर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी सभी 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर आंसर आ रहे थे, सिर्फ यही नहीं आ रहा था। क्लियर है अभी, तो आगे चलते हैं। ए मैन वॉक्स 7 किलोमीटर टुवार्ड्स द साउथ। फिर से आ गई हमारी डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। ए मैन ने 7 किलोमीटर वॉक किया टुवार्ड्स द साउथ, ठीक है, एंड टर्न्स टू द लेफ्ट। यहीं से प्रॉब्लम होगी, अब ये बात ध्यान में रखना, आपका फेस इस तरफ है, अगर आपका फेस इस तरफ है तो आपका इस तरफ क्या बन जाएगा, लेफ्ट, और इस तरफ क्या बन जाएगा, राइट, ऑपोजिट बन जाएगा। अगर मैं इस तरफ से देखूं, ये है राइट, ये है लेफ्ट, तो अगर मैं उस तरफ को घूम जाऊंगा तो मेरा राइट उस तरफ चला जाएगा और ये इस तरफ चला जाएगा लेफ्ट, ठीक है। तो इस तरफ को मैंने अब जाना है, इस तरफ को हमने जाना है 5 किलोमीटर, ठीक है, इसको हटा दो, तो ये हम चले गए 5 किलोमीटर। देन ही टर्न्स टू द राइट, अब यहां पर आएंगे तो यहां पर राइट हमारा इस तरफ है, तो राइट की तरफ वो जाकर वो अब कितना चला गया है, 7 किलोमीटर फिर से चला गया है, ठीक है। तो यहां से वो चला था, तो यहां पर हम लोग बना लेते हैं डायरेक्शंस, दिस इज द नॉर्थ, दिस इज द ईस्ट, दिस इज द वेस्ट एंड दिस इज द साउथ, ठीक है। अब यहां से वो उसने शुरू किया था अपना सफर, ठीक है, अपनी जर्नी को। तो अब देखते हैं उसने क्या पूछा है, इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट ये है और अब ये इस तरफ गया हुआ है, ठीक है। अब ये कौन सी डायरेक्शन है, इस तरफ है ईस्ट और इस तरफ है साउथ, ठीक है। अब साउथ और ईस्ट के बीच में कौन सी डायरेक्शन होती है, साउथ ईस्ट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, साउथ ईस्ट। तो ऐसी प्रॉब्लम्स भी आती हैं आपको, डायरेक्शंस राइट लेफ्ट, सिर्फ इतना पता होना चाहिए और आपका सिंपली ये काम हो जाएगा। क्लियर है अभी, तो आगे चलते हैं। If plus means the subtraction and divide means addition and less than means multiplication, greater than means division, then find the value of the given statement. तो हमें इस स्टेटमेंट को सोल्व करना है, अब इसको हम सोल्व करते हैं। 9 डिवाइड है यहां पर, डिवाइड मीन्स है यहां पर एडिशन हो गया, ठीक है, 7, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मल्टीप्लाइकेशन, 7 × 8 हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डिवीजन, ठीक है। तो बस यही आप लोगों ने ध्यान रखना है, फिर से आ गया डिवीजन। और प्लस का मतलब क्या है, एडिशन का मतलब है यहां पर ये रहा सबसे आगे, इसका मतलब है सब्सट्रैक्शन, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या सोल्व करते हैं, ब्रैकेट को, तो 4 / 2 ये हमारा आ जाएगा 2, ठीक है, तो ये आ गया आपका 2। अब इसको सोल्व करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले पार्ट को, बस यही से आपने मिस्टेक करनी है, इसको ध्यान से करना, डिवाइड में चला जाएगा 2, इसको सोल्व कर दें 4, ये आ गया आपका 7 × 4, दैट इज द 28 माइनस 5, इसको सोल्व कर लेना, ये आ जाएगा 32, ठीक है, तो ये हमारा 32 आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आपके ब्रेन को चेक करना है कि वो कितना शार्प है, कितना वो चीजों को ध्यान से देख कर, ऑब्जर्व कर कर कुछ अपना यूज करता है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो 5 * 3 इज इक्वल्स टू दी 19 एंड 8 * 5 इज इक्वल्स टू दी 49। तो हमें 6 * 4 करना, अब इनमें रिलेशन हमें ढूंढना पड़ेगा। तो 5 * 3, तो अगर हम 5 × 3 करते हैं तो ये तो बनेगा 15, अब यहां पर भी 8 × 5 करेंगे तो ये बनेगा 49, तो ये तो किसी का स्क्वायर भी है नहीं, अब क्या करें। अब एक काम हो सकता है कि अगर हम 5 को 3 से कर लें सब्ट्रैक्ट, तो 2 बचता है, तो इसमें ऐड कर दो 2 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा हमारा आंसर 19। तो मतलब ये क्या बन रहा है, दिस इज इक्वल्स टू दी 5 × 3 प्लस 5 − 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे ही ये क्या बनेगा फिर 49, इसको भी सोल्व कर देख लें, 8 × 5 प्लस 8 − 5 का स्क्वायर, ये भी आ रहा है, क्योंकि 8 − 5 क्या होता है 3, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 को इसमें ऐड करेंगे 40 में, तो आ जाएगा आंसर। तो ऐसे ही सिमिलरली इसका बन जाएगा, सो 6 × 4 प्लस 6 − 4 का स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा 6 × 4 = 24, 6 − 4 का स्क्वायर आ गया 2,
तो 2 का स्क्वायर हमारा क्या बन जाएगा 4, तो दिस इज बिकम्स दी 28। ठीक है, तो ऐसे आप इस ऑपरेशन को अंडरस्टैंड करें, ठीक है, तो उसको हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं जो भी रिलेशन बन रहा हो। क्लियर है अभी? तो आगे चलते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। बिल्कुल सिंपल है, कोई फार्मूला नहीं है, बस आपको बनाकर देखना है कितनी बनती हैं टोटल ट्रायंगल्स। पहले एक पार्ट किया तो ये 2 बन गई, ठीक है, 1 दिस वन एंड सेकेंड दिस वन। अब जब मैं इधर से भी बनाऊंगा तो इसमें भी 2 बन जाएंगी, एक ये वाली पूरी, ठीक है, और एक ये वाली पूरी, ठीक है, तो कितनी बन गई 4, तो ये हो गई, यहां तक 4 बन गई, ठीक है। तो बार बार मैं आपको बना देता हूं ताकि आपको इजी टू अंडरस्टैंड लगे। अब इसने क्या किया है, एक यहां से बीच से बना दी है ये लाइन, तो इसको बनाएंगे। अब देखिए ये तो 4 हो गई थी, इसके अलावा इसमें तो इसमें और है, एक ये वाली छोटी होगी, ये वाली छोटी वाली, एक ऐसे ये वाली छोटी वाली, 2, 3 एंड 4, तो 4 ये वाली हो गई, 4 हो गई सबसे बड़ी, 4 हो गई उससे छोटी। अब इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, ये 4 एक्स्ट्रा हो गए, ठीक है। अब इसको यहां से भी अगर हम ब्रेक कर देंगे, यहां पर फिर से 4 बन गई, 1, 2, 3, 4, तो ये भी 4 हो गई। तो ऐसे हमने छोटे छोटे पार्ट्स सभी को यहां पर अगर किया है काउंट, आपने सबसे पहले बाहर वाली शेप बना लेनी है, तो सबसे बड़ी वाली जो बनेगी ट्रायंगल सबसे पहले उनको करना है काउंट, फिर आगे की आगे आपने छोटे छोटे पार्ट्स को आगे के आगे देखते जाना है। तो 4, 4, 8 और 8 बन गई, 16 बन गई टोटल, ठीक है। तो कितनी ट्रायंगल्स बन जाएंगी, 16 ट्रायंगल्स बन जाएंगी। ऐसे आप इसे बनाकर देख सकते हैं, क्लियर है। बाहर वाली शेप बनाएं, सबसे पहले जो सबसे ज्यादा साइज की बन रही है ट्रायंगल वो बनाइए, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ठीक है। आगे है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज पर ऑर्डर इन द डिक्शनरी। डिक्शनरी के ऑर्डर में हम देखते हैं, डिक्शनरी में क्या होता है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किए जाते हैं। तो सभी S I N तो सभी का सेम है, ठीक है, तो एस आई एन का तो कोई इशू है नहीं। एस आई एन के बाद क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है आई, ठीक है, तो एक हो गया आई से शुरू, एक हो रहा है यू वाला है ये वाला, इसमें आ रहा है एच, ठीक है, और उसके बाद आ रहा है यहां पर भी यू है, ठीक है, फोर्थ लेटर, और यहां पर ई है। अब देखिए ई तो सबसे आगे आएगी, ठीक है, ए बी सी डी के हिसाब से ए बी सी डी ई आएगी, फिर ई एफ जी एच आएगा, फिर आई आएगी, और फिर यू वाले आ जाएंगे दोनों। तो ये तो अरेंजमेंट हो गया हमारा क्लियर। अब इशू इन दोनों का है क्योंकि दोनों में सेम लेटर है। अब देखिए यू वाला एक ये था और एक दूसरा ये था। अब यू के बाद वाला हमें चेक करना है, जब जो सेम हो जाए फिर उसे आगे वाला आप लोगों को चेक कर लेना है। तो यू के बाद है यहां पर ओ और यहां पर है एस, तो अब ओ आगे आता है, एस बाद में आता है, तो ओ वाला आएगा पहले, एस वाला आएगा बाद में। अब देखिए ई वाला यहां से कौन सा था, ई वाला था हमारा फिफ्थ ऑप्शन, दिस वन, उसके बाद एच वाला था थर्ड, तो ये आ गया थर्ड, आई वाला था सबसे पहला, यू ओ वाला था सेकेंड, और यूएस वाला था फोर्थ। क्या आंसर बन जाएगा, 5, 3, 1, 2, 4, 5, 3, 1, 2, 4, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। क्लियर है अभी? तो ऐसे आप इनका डिक्शनरी का अरेंजमेंट भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो इसके बाद है हमारे पास एक और प्रॉब्लम, इसमें हमने ये देखना है कि फाइंड द मिसिंग नंबर, तो ये हमें सोल्व करना है यहां पर क्या आएगा, ठीक है। अब ये जो और यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें हमें ये चेक करना होगा कि रिलेशन क्या बन रहा है। यहां पर है 6, तो 6 के अकॉर्डिंग यहां पर है 12, 18 और 30, तो ये सभी क्या बन रहे हैं, दीज आर मल्टीपल्स ऑफ दी 6, जैसे 6 × 2 आ जाएगा, 6 × 3 आ जाएगा, 6 × 5 आ जाएगा। ऐसे यहां पर हमें बताए गए हैं मल्टीपल्स ऑफ दी 8, ठीक है, तो ये सभी 8 के मल्टीपल हो गए, तो यहां पर क्या आएगा, दीज आर ऑल दी मल्टीपल्स ऑफ द 9, तो ये सभी किसके मल्टीपल बन जाएंगे, 9 के, तो ये हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपने इन सभी प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है। आई होप कि आपको इन सभी की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।